ये वाका आज सुबह 7:30 बजे के आसपास में फ़ोन कॉल आ गई कि फारूक अहमद वल्दी कादर चौपान, जो पंचायत चरणवाव से इसका ताल्लुक है, चौपान बोरा हमारा मोहल्ला एक है, तो फारूक चौपान जो अब्दुर्रशीद चौपान का भाई है, तो वहाँ पे अपने भाई के घर गया वहाँ पे देखने के लिए कि ये अभी तक जाग नहीं रहे। तो वहाँ से इसको किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आई, तो फिर घर की छत से यानी कि लेंटर से एक सीढ़ी के लिए रास्ता रखा हुआ है, वहाँ टीन को हटाया, टीन को हटा के फिर अंदर चले गए, तो वहाँ उन्होंने ये देखा कि ये जो रशीद चौपान की बीवी है जिसका नाम नूर बेगम है और उसके 3 बच्चे मुजफ्फ़र, शाजिया और आसिया। मुजफ्फ़र की एज जो है वो 12 साल के आसपास में बताई जा रही है, शाजिया 8 साल और इसी तरह आसिया जो है ये 5 साल की है। तो फिर हमने पुलिस स्टेशन बानिहाल इन्फॉर्मेशन दे दी, SHO साहब मौके पर पहुँचे, DSP साहब मौके पर पहुँचे, तो यहाँ से डेड बॉडीज़ को बानिहाल ले गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। और जो अब्दुर्रशीद चौपान वाले कादर चौपान है वो घर से बाहर कहीं उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी मालूम पड़ा कि वो वहाँ से कल के डेट में निकले हुए हैं, रामबन पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बात हुई। तो अभी इसमें मेडिकल रिपोर्ट्स क्या आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसके बाद ही इसके बारे में बताया जाएगा कि वाकई किस नौवियत का है, क्यों ऐसा हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब चीज़ें बाद में मालूम पड़ेंगी। अभी बहरहाल मेडिकल एग्जामिनेशन इसका चल रहा है और साथ ही साथ पुलिस भी इसका मामले का मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो साथ ही में मज़ीद आपको ये बता दूं कि इनिशियल स्टेज में हमने वहाँ पे देखा कि एक छोटा सा कमरा है 10x10 का, उसमें एक अंगीठी भी है, तो अभी तक सब लोगों का ये मानना है कि शायद ये अंगीठी से गैस निकली हुई हो जिस वजह से ये अमवात हुई है, लेकिन ये सब कुछ कबल अज़ वक्त होगा, ऐसा कहना तो सही नहीं होगा, आने वाले कल में ही मालूम पड़ सकता है कि इस हादसे के पीछे कौन से कारण थे। शुक्रिया, वसलाम।